नमस्कार दोस्तों, सेंट्रल रेलवे की टेक्निकल सीरीज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक नए टॉपिक के बारे में, और इस टॉपिक को जनरली हमें काफ़ी इम्पॉर्टेंट ये टॉपिक है और इसके बारे में हमें जानना बहुत ज़रूरी है। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे मेगर के बारे में। मेरा नाम है रोहित राजपूत, और ये आज जो टॉपिक है ये थोड़ा इलेक्ट्रिकल से संबंधित है। सो मेगर अपने आप में एक बहुत इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है, और इसका काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल है। दिखने में बहुत आम तौर पे बहुत सिंपल होता है। ये एक एनालॉग टाइप का मेगर है। ये बहुत पुराने टाइम में यूज़ होता था। इसमें ये जो आप देख रहे हैं ये एक हैंडल रहता है बेसिकली, और इस हैंडल का ये अब आज की डेट में ज़्यादा यूज़ होता नहीं है। हैंडल हम जनरली जो पहले मेगर्स थे उनमें हैंडल होता था। ये आप जब इसको मूव कराते थे, घुमाते थे, तो ये सेल्फ जनरेशन करता था बिजली का, और हाई वोल्टेजेस जनरेट करता था, तो हम इसको यूज़ करते थे। पर अब ये रिप्लेस हो चुके हैं ऑलमोस्ट इस टाइप के मैगर से। सो जो मैगर्स हैं अब वो इस टाइप के आते हैं, डिजिटल मैगर, जिसके अंदर आपको यहाँ पर डिजिटल डिस्प्ले मिलता है। यहाँ पर कई सारे ऑप्शन होते हैं, जैसे 500 वोल्ट है, 250 वोल्ट है, टेस्ट का ऑप्शन हैं, ये मैं आपको धीरे धीरे बताऊँगा, और इसके बाद हम इसके बारे में जानेंगे। सो बेसिकली मैगर होता क्या है, मैगरिंग होती क्या है, इसके बारे में हम आपको बता देते हैं। बेसिकली मैगर का जो काम है वो इंसुलेशन टेस्टिंग का रहता है जनरल केसेस में, और जो इसका बेसिक फंक्शन है उसके बारे में हम आपको बता देते हैं। तो किसी भी कोई भी ऑब्जेक्ट है, खासकर इलेक्ट्रिकल में, जब भी हम इलेक्ट्रिकल में बात करेंगे, तो इलेक्ट्रिकल में कोई भी इंस्ट्रूमेंट होता है उसका एक इंसुलेशन होता है, ठीक है। अब मैगरिंग हम जनरली कहाँ यूज़ करने वाले हैं, इंसुलेशन से क्या तात्पर्य है। इंसुलेटर मतलब क्या होता है, इंसुलेटर वो सब्सटेंस है जिसका रेजिस्टेंस, मतलब ओम्स जो रेजिस्टेंस होता है, बहुत ज़्यादा होता है, मतलब वो इलेक्ट्रिक फ्लो को, प्रभाव को रोकता है, ठीक है। सो कोई भी चीज़ जो इलेक्ट्रिक प्रभाव को रोकी वो इंसुलेटर है। और हम इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में अगर जानेंगे तो किसी भी इंसुलेटर को आप कैसे डिफाइन करेंगे, मतलब वो कितना अच्छा इंसुलेटर है, कितना अच्छा इंसुलेटर वो बताएगा उसका रेजिस्टेंस। तो अगर आपका रेजिस्टेंस ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा है, इसका मतलब दैट इज़ वेरी गुड इंसुलेटर। अच्छा, रेजिस्टेंस जिसका कम होता है वो होता है आपका कंडक्टर। तो इतना हमें बेसिक नॉलेज पता है। अब इसका यूज़ कहाँ आता है, मतलब अगर हमें समझना होगा कि एक इसको हम कहाँ यूज़ करेंगे बेसिकली, तो अब हम पहले ये समझते हैं कि इन चीज़ों को हमें यूज़ करने के लिए कौन से कंपोनेंट्स में हम मेजरिंग करते हैं, और कौन से कंपोनेंट में हमें इसको यूज़ करना होता है। सो फ्रेंड्स, बेसिकली हम जैसे यूज़ करना चाहते हैं मैगर को, तो उसके लिए पहले हम ये समझ लें कि किन कंपोनेंट पर हम इसको यूज़ करने वाले हैं। तो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेज जो हैं हमारे पास, खासकर रेलवेज में हम बात करेंगे, तो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट जो है हमारे पास क्या है, हमारे पास मोटर्स हैं, ट्रैक्शन मोटर्स जिसको हम बोलते हैं, ट्रैक्शन मोटर्स, हमारे पास ट्रैक्शन जनरेटर्स हैं, ठीक है, ये ट्रैक्शन जनरेटर्स हैं और अल्टरनेटर्स हैं। अब कई लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कि अल्टरनेटर और जनरेटर में क्या फ़र्क है, ठीक है। तो ये आप पहले समझ लीजिए, जनरेटर जो होता है वो डीसी के लिए रहता है, अल्टरनेटर जो होता है वो एसी के लिए रहता है। तो आप ये देखिए, ए और ए होता है, मतलब अल्टरनेटर इज़ फॉर एसी, जनरेटर इज़ फॉर डीसी, खास कोई फ़र्क नहीं होता। कंस्ट्रक्शन में थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, बाकी आप देखा जाए तो बहुत ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है। जनरेटर भी ऑलमोस्ट पहले एसी बनाता है, फिर उसको डीसी में हम कन्वर्ट करते हैं बाई मीन्स ऑफ कम्यूटेटर्स और डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स से। सो इसमें कोई ज़्यादा इशू, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो अभी हम बात कर लेते हैं इस टाइप के और इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स हमारे पास क्या हैं। सो जैसे ट्रैक्शन मोटर्स हैं हमारे पास, जनरेटर्स हैं, अल्टरनेटर्स हैं, इसके बाद हमारे पास और क्या क्या हो सकता है, केबल्स हैं, क्योंकि भैया आप जब किसी को कनेक्ट करोगे तो उसमें केबल्स तो लगेंगी, केबल्स भी होंगी हमारे पास। उसके बाद इंसुलेटर्स भी होते हैं, खासकर ईएमयू में जो होती हैं, अगर आप ईएमयू में एक पेंटो को देखेंगे तो जो पेंटो होता है उसके बाद वहाँ पर कई आपने देखा होगा इंसुलेटर्स लगे रहते हैं। तो जो इंसुलेटर्स होते हैं ये भी अपना इंसुलेशन डिवाइसेस होती हैं, किसी भी चीज़ का इंसुलेटर तो होगा ही, और कई सारी चीज़ें होती हैं हमारे उसके जो डिवाइसेस को यूज़ करने के लिए। सो इस टाइप की चीज़ों को, सो इंसुलेटर्स जैसे हमारे पास होते हैं। अच्छा, इसके बाद हम आ जाते हैं कि इसका यूज़ क्या है और हम इसको करने के वाले हैं। तो मैगरिंग में क्या करते हैं हम, बेसिकली जो मैगर का काम है वो, उसका जो काम है वो होता है हाई वोल्टेज जनरेट करना, ठीक है। सो मैगर का जो बेसिक काम होता है होता है हाई वोल्टेज जनरेट करना, ठीक है। अब जनरली जो मैगर्स के अंदर वोल्टेज रेंज मिलेगी आपको 500 वोल्ट में मिलती है, 1000 वोल्ट में मिलती है, 2000 वोल्ट में मिलती है, ठीक है। जब इसके ऊपर हम केबल्स को टेस्ट करते हैं तो एक हमें अच्छा इंसुलेशन का
बारे में पता चला। अच्छा दिखाता क्या है ये आपको, बेसिकली दिखाता सिर्फ रेजिस्टेंस ही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं दिखाता, ठीक है। तो रेजिस्टेंस के बारे में ही आपको जानकारी देता है। तो अब मान लीजिए कोई केबल है आपके पास, ये केबल का टुकड़ा है, इस केबल के ऊपर एक इंसुलेशन, ये एक एक केबल के ऊपर बहुत एक इंसुलेशन लगा देते हैं हम, क्योंकि इसको कवर करता, आपने देखा होगा दो तीन टाइप के इंसुलेशन होते हैं। ये एक कोर है इसका, जो ये कंडक्टर है, ठीक है। तो ये जो कंडक्टर अंदर हमने डाला हुआ है, इसके ऊपर हमने एक इंसुलेशन लगा रखा। अब मुझे समझना है इसका इंसुलेशन कितना अच्छा है। इंसुलेशन मतलब आप उसको पकड़े तो आपको कहीं बिजली का झटका ना लग जाए, या जो आसपास की केबल्स हैं, क्योंकि ये केबल हो सकती है इसके बाजू में और केबल्स भी हों, जैसे हम जिसको बोलते हैं ना थ्री कोर केबल, थ्री कोर केबल, जैसे थ्री कोर केबल होती है, इसमें क्या मतलब होता है कि इसके अंदर तीन कोर होते हैं। अब क्योंकि ये दोनों तीनों कंडक्टर्स हैं, कंडक्टर्स के बीच में एक इंसुलेशन है, अगर ये इंसुलेशन खराब होगा तो आपस में शॉर्ट हो जाएंगी केबल्स, केबल फॉल्टी हो जाती है, आपका ग्राउंड हो जाएंगे, शॉर्ट हो जाएंगे, तो चीज़ें उसमें आपको दिक्कत हो जाएगी। तो इसकी इंसुलेशन स्ट्रेंथ देखने के लिए हम क्या करते हैं, मैगर का यूज़ करते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम इसके दोनों एंड्स के ऊपर एक हाई वोल्टेज हम देते हैं, जैसे कि हमने दे दिया इसमें 1000 वोल्ट दे दिया। तब क्या करते हैं, इसके अंदर हम रीडिंग देखते हैं कि जो रीडिंग है वो क्या दिखाता है आपको, मतलब आपको 500 कितना ओम्स दिखाता है। तो अगर आपको ओम्स बहुत ज़्यादा है, से सपोज 20 मेगा ओम्स, 30 मेगा ओम्स, इस टाइप की रेंज में आ रहा है, इसका मतलब आपका इंसुलेशन बहुत अच्छा है। अब जैसे आपका रेजिस्टेंस आ गया 1 मेगा ओम, ठीक है, 2 मेगा ओम, तो ये एक इंडिकेशन है कि आपका इंसुलेशन काफ़ी वीक हो चुका है, मतलब वो ब्रेकडाउन की तरफ जा रहा है। सो इंसुलेशन स्ट्रेंथ चेक करने के लिए सबसे बेस्ट है। अच्छा मेरा आपको सजेशन है फ्रेंड्स कि आप मैगर से रिलेटेड यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी, और इसमें आपको काफ़ी चीज़ें आपको वहाँ पर मिल सकती हैं, तो इसमें आपको काफ़ी हेल्प मिल सकती है। मतलब अगर आप YouTube पे जाएंगे तो मैं आपको ये दिखा देता हूँ, जैसे कि ये एक आप जाएंगे तो YouTube पे आप सर्च करिए सिर्फ मैगर्स, जैसे मैगर अगर सर्च करेंगे तो मैगर के बारे में आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन YouTube पे मिल जाएगी, मतलब मैगर टेस्टिंग प्रोसीजर आपको मिल जाएंगे और ये सारे आपको चीज़ें मिल जाएंगी। इसके बाद अगर आप मैगर देख लेते हैं, उसके बाद आपको एक चीज़ और समझना है वहाँ पर, पोलराइजेशन इंडेक्स। तो मैं ये चाहता हूँ दोस्त आप ये भी चीज़ें को एक बार यूट्यूब पे देखें, तो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन यहाँ मिल सकती है। पोलराइजेशन इंडेक्स कुछ नहीं होगा, वो ये बताएगा कि 10 मिनट में आपका इंसुलेशन का रेजिस्टेंस कितना था और 1 मिनट में इंसुलेशन रेजिस्टेंस कितना था, तो जो उनका रेशियो होता है दैट इज़ पोलराइजेशन इंडेक्स। और आप जब उसको देखेंगे तो आपको क्लियर कट पता चल जाएगा कि आपका जब इंसुलेशन इंडेक्स पोलराइजेशन इंडेक्स जिसको हम बोलते हैं पी आई, मतलब पोलराइजेशन इंडेक्स, मतलब 10 मिनट में कितना इंसुलेशन का रेजिस्टेंस था अपॉन 1 मिनट में कितना इंसुलेशन का रेजिस्टेंस था, तो ये अगर जब 2 से ज़्यादा होता है तो उसका मतलब आपका इंसुलेशन बहुत ही अच्छा है। एनीथिंग लेस देन 1.5, और कई लोग उसको 1 भी बोलते हैं, पर मैं मानता हूँ कि 1.5 से जैसे ही कम हो जाता है तो आपका इंसुलेशन थोड़ा बहुत वीक हो गया है। नई मशीन्स का, जो न्यू मशीन्स होती हैं, उनका पोलराइजेशन इंडेक्स हमेशा 2 से ज़्यादा है, बाकी मशीन्स का ये 1.5 से कम है। अच्छा अब आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा पोलराइजेशन इंडेक्स क्या है, इंसुलेशन क्या है, तो मेरा आपसे अनुरोध है, क्योंकि ये सारी चीज़ें ऑलरेडी इंटरनेट पे आपको अवेलेबल है, आप यूट्यूब पे जाके इन चीज़ों को एक बार पढ़िए समझिए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैगर की टेस्टिंग कैसे करते हैं, ट्रांसफार्मर में मैगर का क्या रोल है। तो आपको वहाँ पर जो चीज़ें समझनी होगी वो ट्रांसफार्मर की टेस्टिंग में मैगर का क्या यूज़ है, केबल टेस्टिंग्स इसको आप सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा इसका क्या रोल है, और मोटर्स की टेस्टिंग में इसका क्या रोल है। तो मोटर टेस्टिंग, केबल टेस्टिंग, तो ये सारी चीज़ें अगर आप उस पर देखेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। सो फ्रेंड्स क्योंकि इस चीज़ को वापस यहाँ बताने में आपको इतनी क्लैरिटी मिलेगी नहीं, प्रैक्टिकल दिखेगा नहीं, आप इस चीज़ को अगर यूट्यूब पर सर्च करेंगे आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन वहाँ मिल जाएगी। सो थैंक यू फ्रेंड्स, आज हमने सिर्फ मैगर के बारे में बेसिक चीज़ मैंने आपको बताई, आप इसको और सर्च करें, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स के बारे में आप जानें, और आगे देखते रहिए हमारे चैनल, और हम और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ आपके पास फिर से आएंगे। थैंक यू वेरी मच।